गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर बेंजामिन सर फ्रॉम केवी नंबर 2 ईटानगर। एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द ग्रुप, आर टाइम टेबल हैज़ बीन सर्कुलेटेड एंड वी विल बी स्टडिंग एज पर दिस टाइम टेबल। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ योर बुक मैरीगोल्ड ऑफ क्लास 2। तो इस बुक में पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका एक बहुत ही अच्छा पोएम है, फर्स्ट डे एट स्कूल। आपको याद होगा, क्या आप याद कर सकते हैं जब पहली बार आपने स्कूल ज्वाइन किया था, आपने एडमिशन ली थी, आप उस दिन को याद कर सकते हैं? तो इस पोएम में हम ऐसे ही एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो फर्स्ट डे जब वो स्कूल जाता है तो वो क्या क्या सोचता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस पोएम को रिसाइट करेंगे, ठीक है? आप लोग भी इस पोएम को घर में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना याद करने का, ठीक है? तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट डे एट स्कूल, आई वंडर इफ़ माई ड्राॅइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. और एक बार, I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. ये पोइम जो है ये एलिन फिशर के द्वारा, जो पोइट हैं उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है? इस पोइम में ये बच्चा जो है जब वो फर्स्ट डे स्कूल जाने को है तो वो सोचता है, उसमें बहुत सारी सोच आती है। तो उनमें से कुछ जो है, सबसे पहला जो सोच आती है उनमें, वो सोचता है कि मेरी ड्राइंग क्या मेरे फ्रेंड्स के जैसे ही अच्छी होंगी। उसको लगता है कि मेरी ड्राइंग कहीं ख़राब हो जाए, है ना? दूसरे में, आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। वो ये सोचता है कि जो भी बच्चे वहाँ क्लास में बैठे रहेंगे या क्लास में होंगे, क्या वे लोग मेरे जैसे ही होंगे कि मुझे घूरते रहेंगे। स्टेयर्स का STARES, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, ठीक है? कि मुझे घूरते रहेंगे। आई वंडर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन। तो ये बच्चा फिर सोचता है कि क्या मेरी टीचर, मेरी माँ या ग्रैंड मदर, ग्रैंड यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ग्रैंड मदर मेरी टीचर की जैसे होंगी। I wonder if my puppy will wonder where I am. और लास्ट स्टैंजा में ये बच्चा ये सोचता है कि मेरा पप्पी जो घर पे है, क्या वो ये सोचेगा कि मैं कहाँ गया हूँ। जो उसके साथ रहता था आज तो मैं स्कूल में हूँ, तो क्या मेरा पप्पी वो ये सोचेगा कि मैं कहाँ गया हूँ। तो बच्चों, ये पोएम आपको याद करनी है, ठीक है? और इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है आपको रिकॉर्ड करके भेजना है, ठीक है? ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजेंगे कि आप कितना इसको याद कर पा रहे हैं, और लिखने का कोशिश भी करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।